शाहपुर थाने की पुलिस ने शातिर चेन लुटेरे को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने पुलिस लाइन के सभागार में प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि मुखबिर की सूचना पर दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनकी पहचान अभिषेक भारती पुत्र अमरजीत प्रसाद उर्फ पुत्तुर निवासी बड़की पिपरही थाना पिपराई जनपद गोरखपुर, दूसरा आदित्य वर्मा पुत्र शेष मणि वर्मा निवासी वार्ड नंबर 11 हरिलाल चौक थाना पिपराई जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है, जिनके पास से लूट का चेन, लूट के पैसों से खरीदा गया एप्पल मोबाइल, एक देसी तमंचा, एक जिंदा कारतूस को बरामद किया गया है। एसपी सिटी ने बताया कि अभिषेक भारती अपने साथी दीपू कुमार के साथ मिलकर 13 सितंबर को समय 9 बजे रात को खजांची चौराहा पेट्रोल पंप के पास से एक महिला से 28 अगस्त को समय 6 बजे शाम के शताब्दीपुरम कॉलोनी पादरी बाजार पानी टंकी के पास से एक व्यक्ति से 13 सितंबर को 7:15 शाम बैंक कॉलोनी पादरी बाजार से एक महिला से 16 अगस्त समय 3 बजे मोहद्दीपुर ओवरब्रिज के पास से एक महिला से दिनांक 27 जुलाई को समय 9 बजे बॉबिना होटल के पास से एक व्यक्ति से 17 सितंबर को धर्मशाला चौराहे के पास गली में रात 11 बजे एक महिला से चेन छीना था। अभिषेक का साथी दीपू कुछ दिन पहले ही हैदराबाद भाग गया है तथा लूटे गए चेन को खरीदने वाले स्वर्णकार आदित्य वर्मा को भी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में शाहपुर थाना प्रभारी रणधीर कुमार मिश्रा, उप निरीक्षक रामानुज सिंह यादव, आशीष कुमार सिंह, कांस्टेबल आजाद अली, प्रशांत नाविक, शिव भोला, अवधेश बिंद, रोहित नाथ, अमृत यादव, अजय यादव शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने कहा, जनपद गोरखपुर में अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाने के अनुक्रम में आज थाना शाहपुर पुलिस द्वारा एक बहुत ही अच्छा गुडवर्क किया है, जिसमें उन्होंने एक ऐसे छिनेत को गिरफ्तार किया है जो पिछले 2 से 3 महीने में 6 लूटें जनपद गोरखपुर के विभिन्न थानों में कर चुका था। यह व्यक्ति पहले सब्जी मंडी वगैरह ऐसी जगहों पर जाता था, रेकी करता था, रेकी करने के बाद में आइडेंटिफाई करता था कि किस महिला ने चेन पहनी है एवं उसके बाद में उसका पीछा करते हुए सुनसान सी जगह जहां पे सीसीटीवी कैमरा वगैरह नहीं हो उस जगह पे छिनैती की घटना कारित करता था। इस तरह की 3 घटनाएं इसने थाना शाहपुर में कारित की थी, 2 गोरखनाथ थाना में एवं 1 कैंट थाने में। सभी घटनाओं को सफलतापूर्वक जिनका अनावरण आज किया जा रहा है, इनमें से इनके पास से 4 चेन सोने की चेन, 1 आईफोन जो कि इन्होंने चेन बेच के ख़रीदा था क्योंकि टिकटॉक के वीडियो अच्छे से नहीं बना पाते थे, इसकी वजह से इन्होंने आईफोन ख़रीदा था। इनके पास से 4800 रुपये कैश भी बरामद हुआ है जो कि एक चेन बेचने के बाद में जो पीछे बचा पैसा है। इनके पास से सघन पूछताछ में एक तमंचा एवं कारतूस भी बरामद हुआ है। इसके साथ साथ जो लूट में प्रयोग की जाने वाली पल्सर गाड़ी NS 160 उसको भी पुलिस द्वारा बरामद किया गया है। यह गाड़ी उसने EMI पे ख़रीदी थी
एवं बीच बीच में जब जब उसको ईएमआई की किस्त आती थी तब तब वह बीच बीच में रह रहकर लूट कारित करता था। एवं हम जिस सोनार को ये चैन ले जाके बेचता था उस स्वर्णकार को भी पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। इस तरह कुल 7 अभियोगों का अनावरण आज थाना शाहपुर पुलिस द्वारा किया जा रहा है। इस अच्छे खुलासे एवं CCTV बेस्ड और सर्विलांस के सहयोग से किए गए इस गुड वर्क के लिए SSP महोदय द्वारा इनको 20,000 रुपये का इनाम भी टीम को दिया जा रहा है। थैंक यू।